Hello gentlemen, today we have brought a very special content for you, and that is all about British accent. So in the previous two videos I have explained everything about British accent, the importance of British accent, and then we have discussed British accent rule number one, rule number two, and today alhamdulillah we have come over here and reached to British accent rule number three. So in this video today I'll try to understand you the British accent rule number three. So do not go anywhere, just see the video to the end. Okay, so first of all we have come over here a milestone and a benchmark, like British accent rule number three. Okay, so what is this, by the way? Whenever the alphabet NT, I am talking about whenever the alphabet NT come in any word, so the alphabet T will be silent. You can mind this word right now, that the alphabet T, that the alphabet T will be silent. Oh, that's too much interesting. And the alphabet N will give the sound of double N in speaking. For example, we have international. That's wrong. We will pronounce as international. Did you mind? Did you understand my words? Next one is 70. That will be 70. And next one is mountain. That is mountain. And 20. That's wrong. I'll say 20. Okay. So whenever the alphabet NT, जब हमारे पास NT आ जाए, NT मतलब ये जो alphabet NT है ना, किसी भी sentence में start में आ जाए, mid में आ जाए, last में आ जाए, ये adjacent आ जाए, एक दूसरे के बाद आ जाए, तो क्या होगा? What will happen? So the alphabet T, ये जो मेरे पास alphabet T है ना, ये क्या हो जाएगा? Will be silent. ये क्या हो जाएगा? साइलेंट हो जाएगा. अब ये बात यहां समझने की है कि जब कभी अल्फाबेट एनटी आ जाए तो टी साइलेंट रहेगा. ओके, एंड अल्फाबेट एन, और ये जो अल्फाबेट एन होगा ना, विल गिव द साउंड ऑफ डबल एन. ये किसका होगा? डबल एन, यानी कि वो टी टर्मिनेट हो जाएगा और टी की जगह दूसरा एन लग जाएगा इन स्पीकिंग. फॉर एग्जाम्पल, यहां मेरे पास इंटरनेशनल है. इंटरनेशनल बाय द वे नहीं है, क्योंकि ये मुकम्मल तौर पर गलत है. सो आई विल से इंटरनेशनल. ओके, आप टीवी कॉमेंट्री होता है तो टीवी कॉमेंट्री में आप क्या देखोगे कि जब क्रिकेट चल रहा होगा वो तो कहते फर्स्ट इंटरनेशनल T20 बिटवीन पाकिस्तान एंड इंग्लैंड. सो इंटरनेशनल. ओके, सो एक्चुअली दिस वन इज इंटरनेशनल. नेक्स्ट वन 70. हाँ, मैं 70 पर जा रहा हूँ. 70 मोटरसाइकिल जो है ना, मैं उस पर जा रहा हूं, मेरे पास 70 रुपी है, तो दैट्स रॉन्ग. 70, आई विल से 70, क्योंकि यहां एन टी आया है तो ये टी साइलेंट होगा और एन डबल एन का साउंड देगा. नेक्स्ट वन माउंटेन. वी आर क्लाइंबिंग एन माउंटेन, दैट्स रॉन्ग. माउंटेन, आई एम क्लाइंबिंग एन माउंटेन बाय. ओके, आई एम ओके ओके, सो माउंटेन माउंटेन. नेक्स्ट वन 20, आई नीड 20 रुपीज. 20 क्या हो गया? 20. कितना सिंपल है. ओके, एनटी आ गया तो एनटी कौन सा क्या करेगा? टी साइलेंट रहेगा और एन डबल एन का साउंड देगा. सो इट जस्ट सिंपल है. अच्छा, मैं आपको बिलीव के साथ कह सकता हूं रूल नंबर वन, टू और ये तीसरा वन. अगर आपने इसको कॉम्प्रिहेंड किया, समझ गए आप इन सबको, और आपने इसको अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में इस्तेमाल किया, तो आपका 40% इंग्लिश अकॉर्डिंग टू द ब्रिटिश एक्सेंट हो गया, यानी कि ऑलमोस्ट हाफ आपकी ब्रिटिश एक्सेंट बिल्कुल ठीक हो जाएगी. सो इंशाल्लाह ताला अजीज, आई होप यू हैव अंडरस्टूड. सो इफ यू हैव एनी काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस, यू कैन आस्क दोस क्वेश्चंस इन द कमेंट बॉक्स, सो आई विल रिप्लाई यू वेरी सून. एंड इफ यू लाइक द कंटेंट, सो यू कैन हिट द लाइक बटन. एंड इफ यू वांट टू कोऑपरेट विद अस, यू कैन सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन फॉर मोर काइंड्स ऑफ वीडियोस लाइक दिस. सो गॉड ब्लेस यू ऑल, गॉड ब्लेस पाकिस्तान, जिंदाबाद. थैंक यू सो मच.